बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार 50 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। अक्षय कुमार को बॉलीवुड में 26 साल हो गए हैं। उन्होंने 1991 में आई फिल्म सौगंध से डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक अक्षय के लुक में काफी चेंज देखने को मिलता है। अक्षय कुमार ने साल 1991 में फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में दुबले पतले अक्षय के बड़े बड़े बाल थे, लेकिन जैसे जैसे अक्षय का फिल्मी सफर आगे बढ़ा, उनके लुक में भी बदलाव आता चला गया। 26 सालों के फिल्मी करियर में कभी स्क्रीन पर उनके बाल छोटे हुए तो कभी बड़े हो गए, कभी वो चोटी में नजर आए तो कभी जीरो हेयर स्टाइल में भी दिखाई दिए, कभी पगड़ी तो कभी स्टाइलिश मूछे तो कभी बड़ी हुई दाढ़ी में नजर आए। 26 साल के फिल्मी करियर में अक्षय ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हिट फिल्मों के साथ ही उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में भी दी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं शुरू से लेकर अब तक के अक्षय के अलग अलग लुक्स की फोटोज। फिल्म सौगंध में अक्षय कुमार, फिल्म वक्त हमारा है में आयशा झुलका के साथ, करिश्मा कपूर के साथ फिल्म दीदार में अक्षय कुमार, फिल्म ये दिल्लगी में अक्षय कुमार, ममता कुलकर्णी के साथ फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अक्षय कुमार, फिल्म मोहरा में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म जुल्मी में अक्षय कुमार, फिल्म टशन में अक्षय, फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार और ये है फिल्म रुस्तम में अक्षय। एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपनी अहम पहचान बना चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सोशल वर्क में भी काफी अव्वल हैं। बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर वो कई सोशल प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती हैं। पिछले 12 सालों से प्रियंका यूनिसेफ से जुड़ी हुई हैं। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर पीसी फिलहाल जॉर्डन की राजधानी अमान में है। रविवार को उन्होंने यूनिसेफ के जॉर्डन कंट्री ऑफिस में बच्चों के साथ वक्त गुजारा, उनसे अरबी भाषा सीखी और बच्चों के साथ अलग अलग खेल खेलती दिखाई दी। इसके अपडेट्स प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर दिए। देश छोड़ विदेश में बच्चों की मदद करने पहुंची प्रियंका को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा, जिसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। रविंद्र गौतम नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा कि प्रियंका को देश के गांव में भी जाना चाहिए जहां के बच्चे भूखे हैं और खाने के इंतजार में हैं। उस यूजर को करारा जवाब देते हुए पीसी ने लिखा, मैं यूनिसेफ के साथ 12 सालों से काम कर रही हूं और ऐसी कई जगहों पर जा चुकी हूं। रविंद्र गौतम, तुमने क्या किया है? एक बच्चे की परेशानी दूसरे से कम कैसी? वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका ट्रोलिंग का शिकार हुई हो। अक्सर वो अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर विवादों में रहती है। हाल ही में एक बार फिर कश्मीर में हमले की घटना सामने आई है। ऐसे में आज हम बता रहे हैं ऐसी 7 फिल्मों के बारे में जिनकी कहानी कश्मीर के इर्द गिर्द बनी हुई है। माँ तुझे सलाम, इस फिल्म में सनी देओल ने सेना के ऑफिसर का किरदार निभाया है और अरबाज खान देशभक्त कश्मीरी युवक की भूमिका में है। मिशन कश्मीर, ये फिल्म अल्ताफ नाम के युवक की कहानी पर आधारित है। फिल्म में ऋतिक रोशन, संजय दत्त और प्रीति जिंटा लीड रोल में है। रोजा, इस खूबसूरत लव स्टोरी में भी कश्मीर की समस्या को आम आदमी के नजरिए से दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में दक्षिण के फिल्म हीरो अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला मुख्य भूमिका में नजर आए थे। तहान, इस फिल्म में कश्मीर की एक कड़वी सच्चाई सामने आती है जब फिल्म का हीरो 8 साल का बच्चा षड्यंत्र का हिस्सा बन जाता है। यहाँ, फिल्म यहाँ में आर्मी ऑफिसर बने जिमी शेरगिल अपने व्यवहार से यहाँ के रहने वालों का दिल जीतने की कोशिश करता है। फना, आमिर खान और काजोल की फिल्म फना भी कश्मीर से जुड़ी थी। हैदर, हैदर एक कश्मीरी युवा की कहानी है जो अपने पिता के गायब हो जाने की खबर सुनकर अपने घर लौटता है। शाहिद कपूर की बेहतरीन एक्टिंग से सजी इस फिल्म में कश्मीर के भूत और वर्तमान को दिखाया गया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।